हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं और इंडिया के सुपर कंप्यूटर के बारे में भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सुपर कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो अत्यंत जटिल हिसाब करने और विशाल मात्रा में डेटा को अत्यधिक गति से प्रसंस्करण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक शक्तिशाली और उन्नत मशीन होती है जो साधारित कंप्यूटरों को क्षमता को प्रक्रियात्मक शक्ति और मेमोरी क्षमता और गणनात्मक गति के मामले में पार करती है। सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक आधुनिक सिमुलेशंस, मौसम पूर्वानुमान, गुप्तांकन और अन्य गणनात्मक महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए उपयोग होता है। यह हजार या शायद लाखों प्रोसेस को उपयोग करके निर्मित किया होता है जो संयुक्त रूप से काम करते हैं और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए परस्पर सहायता करते हैं। यह पैरेलल प्रोसेसिंग क्षमता सुपर कंप्यूटर को ऐसे कार्यों का सामना करने में सक्षम बनाती है जो रेगुलर कंप्यूटर के लिए अनुभव होती है। सुपर कंप्यूटर्स बगैर वैज्ञानिक, रासायनिक, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग और जलवायु मॉडलिंग जैसे क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग होते हैं। वे डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, संयुक्त धारिता, गतिशीलता, भौतिकीय और तरंगमय के गणना और सीमिस्क विश्लेषण जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। सुपर कंप्यूटरों को प्रदर्शन क्षमता आमतौर पर फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट संचार प्रति सेकंड या पी प्रेक कार्य क्षमता की विकल्पता अधिकतम होती है और के माध्यम से मापी जाती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर नियमित रूप से टॉप 500 सूची पर रैंक किए जाते हैं जो विश्व रूप से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टमों की सूचना प्रदान करती है। सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटरों की पहुंच से परे गणनात्मक शक्ति और क्षमताएं प्रदान करके जटिल समस्याओं को हल करने और वैज्ञानिक खोजों की गति को मापता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है ये परम 8000 था जिसे 1991 में तैयार किया गया था। इसका निर्माण भारतीय पैरेलल प्रोसेसिंग मशीन द्वारा किया गया था जो भारत वैज्ञानिक एक औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIR के अधीन है। परम 8000 एक विभाज्य मेमोरी और बड़े स्तर पर पैरेलल कंप्यूटिंग क्षमता के साथ निर्मित किया गया था। तब से भारत में नए सुपर कंप्यूटर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और अब तक कई सुपर कंप्यूटर का निर्माण और विकास हुआ है, जैसे कि परम श्रृंखला, सागर ग्राम प्रकल्प और आदि। भारतीय सुपर कंप्यूटर के विकास में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन NSM एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। NSM का उद्देश्य है कि भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाना और वैज्ञानिक अनुसंधान, विश्वसनीयता रक्षा, जलवायु मॉडलिंग, औद्योगिक उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी उपयोग करना है। NSM के तहत प्रतियोगितामयी कामियों को सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा रहा है और अनुमानित रूप से 70 सेंटरों पर आवंटित किया गया है। तो ये
हमें सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर